नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार द्वारा आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को नसीहत भी दी और इस फैसले की सराहना भी की। ठाकरे ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा आम आदमी की ताकत की जीत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी शर्मिंदगी से बचने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अन्य दलों को भी विश्वास में लिया करे और उनसे बातचीत और सलाह मशविरा के बाद ही कुछ करना चाहिए। किसानों के लगभग एक साल से आंदोलन को जारी रखने और विवादित कृषि कानूनों को लेकर सरकार को झुकाने को लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए शनिवार 20 नवंबर को पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाने जा रही है। कांग्रेस की ये घोषणा केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक साल बाद किसानों की मांगों के आगे झुकने के बाद आई है। एक आधिकारिक बयान में कांग्रेस ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का जश्न मनाया और अपनी स्थानीय राज्य इकाइयों को कल देश भर में किसान विजय रैलियों और संबंधित राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए कहा। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद श्रोमणी अकाली दल ने साफ किया है कि वो अपने पूर्व साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाने जा रही है। शिया अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। हमने संसद में प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की कि आपने जो काले कानून बनाए हैं वह किसानों को मंजूर नहीं है। हमने जो कहा वो सच निकला। इसके अलावा समाचार एजेंसी एनआई से बादल ने बीजेपी के साथ फिर से सुलह करने के सवाल पर सीधे मना कर दिया। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते वक्त कहा कि हम अनेक तरीकों से किसानों को समझाते रहे, उनकी बातों और उनकी तर्कों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। सब कुछ देश के सामने है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सच्चे मन से माफ़ी मांगता हूँ कि हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रही होगी कि हम दिए की रोशनी जैसी पवित्र बात को कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भारत सरकार को मजबूरन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है, लेकिन ये कानूनों की वापसी लगभग एक साल बाद हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान करीब 600 से अधिक किसानों की जान चली गई। इन्हीं जान गंवाने वाले किसानों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जीत उनकी भी है जो लौट के घर ना आए, हार उनकी है जो अन्नदाताओं की जान बचा ना पाए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के इस फैसले को अन्याय के खिलाफ जीत करार दिया। तीनों कृषि कानूनों पर इस ताज़ा फैसले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने अपने पहले के एक वीडियो बयान को साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे शब्द याद रखना, सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसानों को आंदोलनजीवी वाले बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी को हेडलाइन जीवी कहा है। कृषि कानूनों की वापसी पर उन्होंने कहा कि अब लगभग एक साल बाद कांग्रेस नेता ने इसके साथ ही नोटबंदी को लेकर कहा कि काश हेडलाइन जीबी के 8 नवंबर 2016 के फैसले को भी रद्द करने का कोई तरीका होता। ये वास्तव में एक राक्षसी कदम था जिसके लिए देश अभी भी भुगतान कर रहा है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार विरोध करने वाले किसानों को कानूनों के लाभों के बारे में नहीं समझा पाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद द्वारा पारित 3 विधेयक लाए थे, इनसे किसानों को फायदा होता। प्रधानमंत्री की स्पष्ट मंशा किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की थी, लेकिन मुझे दुख है कि इस देश के कुछ किसानों को लाभ समझाने में हम विफल रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी आम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती। टिकैत ने कहा कि पहले तो इन तीनों कृषि कानूनों को संसद से रद्द करवाएं और उसके बाद एमएसपी की गारंटी दें, क्योंकि किसी भी किसान की एमएसपी पर खरीद नहीं होती है। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी की मांग को भी शुरू से ही उठाया है, हालांकि इस मांग को अभी नहीं माना गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के निर्णय के बारे में पीएम मोदी की घोषणा की सराहना की। इसके साथ ही संगठन ने कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल 3 काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है, बल्कि सभी कृषि उपज और सभी किसानों के लिए एमएसपी की वैधानिक गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह महत्वपूर्ण मांग अभी भी लंबित है। एसकेएम ने कहा कि वह सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देंगे और जल्द ही अपनी बैठक करेंगे और आगे के निर्णयों की घोषणा करेंगे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के फैसले के बाद मोदी सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका ने कहा है कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलन जी भी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि ये देश किसानों ने बनाया है, ये देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। प्रियंका ने कहा कि आपकी नियत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कृषि पैनल के सदस्य अनिल घनवत ने आज 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को पीछे जाने वाला निर्णय बताया क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसानों की बेहतरी पर राजनीति को चुना। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया गया है। कमेटी के एक सदस्य अनिल घनवत शेतकरी संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सितंबर महीने में ही 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को खत लिखा था। उन्होंने रिपोर्ट को जारी करने के साथ ही इसको सरकार को भेजने का भी आग्रह किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों व सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल की शुरुआत में ही कमेटी का गठन किया था। इस साल मार्च में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। कमेटी ने क्या सुझाव दिया है ये अभी सामने नहीं आया। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में आज कृषि क्षेत्र को लेकर सदन में दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की जमकर तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने आहत होते हुए कहा कि वो संकल्प लेते हैं कि जब तक उनकी पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी वो आंध्र प्रदेश विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक भी हो गए और फूट फूट कर रोए भी। उन्होंने नम आंखों से कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उन पर लगातार किए जा रहे अपशब्दों से वो आहत हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2.5 साल से अपमान सह रहे हैं, लेकिन आज उनकी पत्नी को भी निशाना बनाया गया। नायडू ने कहा कि वो हमेशा सम्मान से जिए हैं, लेकिन अब वो इसको सहन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो सत्ता में लौटने के बाद ही सदन में कदम रखेंगे। इसके साथ ही उनकी पार्टी के एक और नेता ने सिर और मूंछ मुंडवा ली और प्रतिज्ञा ली कि जब तक चंद्रबाबू की सरकार नहीं बन जाती है वो ऐसे ही रहेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में आज दोपहर से इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू हटाने का भी आदेश शहर की पुलिस आयुक्त ने दे दिया। अब से कर्फ्यू शाम 6 बजे से शुरू होगा और सुबह 9 बजे खत्म होगा। बता दें, अमरावती में बीजेपी द्वारा बंद बुलाए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद शहर में पिछले सप्ताह शनिवार से कर्फ्यू लगा हुआ है। इस मामले में कई बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। शिवसेना नेताओं का कहना था कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए दंगे भड़का रही है। त्रिपुरा में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर झड़प हुई, जिसमें कुल 19 लोगों के घायल होने की खबर है। इसमें 2 पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं। इस हिंसा के बाद इलाके में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सूबे में नगर निकाय चुनाव से कुछ दिन पहले हुई इस झड़प में घायल हुए लोगों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच आज झारखंड के रांची में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान स्टेडियम में 100% क्षमता के साथ लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है। इसी को लेकर आज स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। BBC के अनुसार प्रदर्शन कर रहे अर्थशास्त्री जान द्रेस ने कहा कि जब स्टेडियम में 40,000 दर्शकों को एक साथ बैठने की अनुमति दी जा सकती है तो स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। BBC से उन्होंने कहा कि कोरोना की सभी पाबंदियां सिर्फ बच्चों के स्कूलों पर ही क्यों लागू की जा रही हैं, जबकि सरकार ये भलीभांति जानती है कि कोविड के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि स्कूल खोलो, तब क्रिकेट खेलो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।